それまで進まさ。धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। उपाध्यक्ष जी, सुश्री गिरिजा व्यास जी द्वारा प्रस्तुत किए गए इस धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा निरंतर आगे बढ़ रही है। हमारी ओर से आदरणीय आडवाणी जी ने चर्चा की शुरुआत करते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया, सरकार से कुछ अपेक्षाएं भी की और सरकार के सामने अपनी मांगें भी रखी। मैं इस अभिभाषण के बिंदुओं पर अपनी बात शुरू करने से पहले कुछ उन बातों का उत्तर देना चाहूंगी जो आदरणीय गिरिजा जी ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कही थी। गिरिजा जी से मेरे बहुत स्नेहिल संबंध हैं और मैं उनकी योग्यता का बहुत सम्मान भी करती हूं, पर पता नहीं क्यों उस दिन वो कुछ नाराज दिखी। अब ये नाराजगी थी या मजबूरी, ये वो स्वयं जानती हैं। मैं गिरिजा जी को इतना कह सकती हूं कि शपथ ग्रहण समारोह के दिन मेरी आंखें टीवी पर राष्ट्रपति भवन में उन्हें जरूर खोज रही थी। वो नहीं दिखाई दी, इससे मुझे दुख भी हुआ, मगर वहां का गुस्सा आपने हम पर क्यों निकाला? आपने तो हमारी इतिश्री का ऐलान कर दिया, और वो भी अब के लिए नहीं, सदा के लिए। आप याद करिए आपने क्या कहा। आपने कहा कि ये इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड असूलों का जवाब है और इंडिया शाइनिंग के नारे लगाने वालों की तो इतिश्री हो गई, और आगे एक वाक्य और जोड़ दिया कि मैं सोचती हूं कि ये इतिश्री सदा के लिए हो गई। मैं गिरिजा जी को बताना चाहूंगी, लोकतंत्र में चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, जो लोकतंत्र का बुनियादी नियम है, लेकिन यहां किसी की इतिश्री नहीं होती, ना पार्टी स्तर पर होती है गिरिजा जी, ना व्यक्तिगत स्तर पर होती है। आप तो स्वयं साक्षी हैं। आप 12वीं लोकसभा में चुनाव हारी थी, 13वीं लोकसभा में फिर जीत गई, 14वीं लोकसभा में हमारी नितांत नई प्रत्याशी किरण महेश्वरी ने आपको हरा दिया, और 15वीं लोकसभा में आप फिर जीत आई। और मैं पार्टी के स्तर पर भी आपको याद दिला दूं, 1977 में जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी हारी थी उपाध्यक्ष जी, अमृतसर से लेकर कलकत्ते तक कांग्रेस का सफाया हो गया। बहुत से समीक्षकों ने यह कहा था कि अब कांग्रेस की इतिश्री हो गई, लेकिन मात्र 2.5 वर्ष के बाद वो उसी धमक से वापस लौटी थी। 1984 में श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 404 सीटें प्राप्त की थी और हम 2 पर आकर रुक गए थे। 5 बरस बीते और अगला चुनाव हुआ, कांग्रेस चुनाव हार गई थी, उपाध्यक्ष जी हम 40 गुना होकर उभरे थे, 40 गुना। हम अब भी 116 हैं। मैं आपकी संख्या 99 की याद करा दूं, आप 114 जीत कर आए थे। 116 114 से तो थोड़े ज्यादा ही होते। अगर 114 वाले सन 2004 में सरकार बना गए तो 116 वालों की इतिश्री कैसे हो गई? वास्तव में गिरिजा जी आप साहित्यकार हैं, और साहित्य में हर कहानी की इतिश्री होती है, हर उपन्यास की इतिश्री होती है, लेकिन मैं राजनेत्री गिरिजा को बताना चाहती हूं कि राजनीति साहित्य नहीं होता। राजनीति में चुनाव लड़े जाते हैं, और उपाध्यक्ष जी किसी भी लड़ाई की इतिश्री तब होती है जब सामने लड़ने वाला मैदान छोड़ दे, और मैं आपको बताना चाहती हूं हम मैदान छोड़कर नहीं भाग रहे हैं, हम मैदान में डटे हुए हैं, और इसी पराजय में से हम विजय की राह निकालेंगे, ये आज मैं ऐलान करके आपके सामने कहना चाहती हूं। उपाध्यक्ष जी, अब मैं अभिभाषण के प्रथम बिंदु पर आती हूं। राष्ट्रपति महोदया ने प्रारंभ में ही जो पहला पैराग्राफ है जिसमें सबको बधाई दी, 5 पैराग्राफ तक वो बधाई देती रही अलग अलग, 6वें पैराग्राफ से उन्होंने सरकार का काम शुरू किया। उन्होंने कहा, वर्ष 2004 में मेरी सरकार ने राष्ट्र के समक्ष एक समावेशी समाज और समावेशी अर्थव्यवस्था की संकल्पना रखी थी। सरकार ने इस संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने में पूर्ण निष्ठा से कार्य किया। मेरी सरकार का मानना है कि इस चुनाव में उसे जो भारी जनादेश प्राप्त हुआ है वो इसी समावेशी नीति का परिणाम है। सरकार मानती है कि वो अपने नीतियों और कार्यक्रमों के कारण जीती है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं
जब राजनीतिक विश्लेषक इस चुनाव का विश्लेषण करेंगे तो इस विश्लेषण को सही नहीं पाएंगे, क्योंकि नीतियों का जनादेश तो तब होता जब सारे नीति निर्धारक चुनावी समर में जनादेश प्राप्त करने के लिए उतरे होते। उपाध्यक्ष जी, नीति निर्धारण के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाने वाले पांच पांच मंत्री तो चुनावी समर में उतरे ही नहीं, और जो उतरे उनमें से बहुत हार गए। प्रधानमंत्री चुनाव नहीं लड़े, रक्षा मंत्री चुनाव नहीं लड़े, शिक्षा मंत्री यानी HRD मिनिस्टर चुनाव नहीं लड़े, 4.5 साल तक गृह विभाग संभालने वाले गृह मंत्री चुनाव नहीं लड़े, और 4.5 साल तक वित्त विभाग संभालने वाले वर्तमान गृह मंत्री चुनाव हारते हारते जीते, वो भी रिकाउंट में जीते। और इनके प्रमुख मंत्री चुनाव हार गए, मणिशंकर अय्यर चुनाव हारे, संतोष मोहन देव चुनाव हारे, रामविलास पासवान चुनाव हारे, रामोदास चुनाव हारे, AR अंतुले चुनाव हारे, शंकर सिंह वाघेला चुनाव हारे, नारायण सिंह राठवा चुनाव हारे, रेणुका चौधरी चुनाव हारी। मेरे पास सूची है, 21 मंत्री आपके चुनाव नहीं लड़े और 16 मंत्री आपके चुनाव हार गए, तो आप इसे नीतियों का जनादेश कहेंगे? एक दूसरी बात कही गई कि सेक्युलरिज्म पर जनादेश है, पंथ निरपेक्षता पर, यह भी सही नहीं। सेक्युलरिज्म के तो सारे पुरोधा ढह गए, सेक्युलरिज्म के सबसे बड़े पैरोकार वामपंथी CPM वाले 43 से सिमटकर 16 पर खड़े हो गए, CPI 10 से घटकर 4 पर आ गई। सेक्युलरिज्म के दूसरे अलंबरदार मेरे अत्यंत स्नेही भाई लालू यादव 23 से घटकर 4 पर आ गए, मुलायम सिंह यादव 38 से घटकर 22 पर आ गए। और कार्यक्रमों की बात अभी कर रहे थे वासुदेव जी, नीतियों की बात मैंने कर दी, कार्यक्रमों का पूरा पर्दाफाश कर रहे थे, पोल खोल रहे थे कि क्या लक्ष्य था और क्या उपलब्ध किया, क्या प्राप्त किया। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूं, ये नीतियों की विजय नहीं, ये परिस्थितियों की विजय है। परिस्थितियां आपके अनुकूल हो गई और आप चुनाव जीत गए। और यह भी सच है कि जनादेश आप ही को मिला है, जीत आप ही की हुई है, सरकार चलाने का जनादेश मिला है। शौक से चलाइए सरकार, अच्छी तरह चलाइए सरकार। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री यहां बैठे हैं, मेरे बहुत स्नेही मित्र हैं, एक गीत की, बहुचर्चित गीत की एक छोटी सी पंक्ति आपके जहन में डालना चाहती हूं। सरकार चलाने वक्त अगर वो बात आप याद रखेंगे तो आपको कभी कठिनाई नहीं आएगी, पेश आएगी हमारी जरूरत कभी कभी। अगर आप इस बात को याद रख लें तो आप निश्चित तौर पर अच्छी तरह से सरकार चला सकेंगे। उपाध्यक्ष जी, तो बताइए ना, पेश आएगी हमारी जरूरत कभी कभी। उपाध्यक्ष जी, गिरिजा जी ने उसके बाद ये कहा कि मैंने एक बयान में ये कहा है कि हमारा एजेंडा सरकार ने ले लिया और अभिभाषण में शामिल कर लिया। ये सच है, मैंने ये बात कही है, लेकिन शिकायती स्वर में नहीं कही, खुशी से कही है। उस दिन अडवाणी जी ने कहा था कि विकास और कल्याण के कामों में श्रेय की होड़ नहीं होनी चाहिए, क्रेडिट की होड़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए मुझे खुशी हुई कि जो काम हम करना चाहते थे आपने उसे करने का वादा किया है। लेकिन वो एजेंडा हमारा नहीं था, ये आप नहीं कह सकते। मैं पूछना चाहती हूं, स्विस बैंक से काला धन देश में वापस लाने का एजेंडा देश में किसने सामने रखा? निस्संदेह आडवाणी जी, भारतीय जनता पार्टी ने। एक रैंक एक पेंशन की बात किसके घोषणा पत्र में थी? भारतीय जनता पार्टी। 33% से स्थानीय निकायों में आरक्षण 50% करने का काम किसने किया? एक NDA शासित और 4 भाजपा शासित राज्य सरकारों ने। आज मुझे गर्व है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड और NDA शासित बिहार के मुख्यमंत्री ने आपके इस विधेयक की इंतजार नहीं की जो आप आज अपनाने वाले हैं। उन्होंने अपने तौर पर 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया और कई जगह तो चुनाव भी 50% पर हो गए, मध्य प्रदेश में होने वाले। एजेंडा किसने सेट किया? ये भारतीय जनता पार्टी ने। आपने 3 रुपए किलो चावल खिलाने की बात की, किसने खिला रहा है? 2007 से कौन खिला रहा है? भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सन 2007 से 35 किलो चावल 3 रुपए किलो पर खिला रहे हैं,
लेकिन मुझे आज दुख से एक बात कहनी पड़ती है, 2007 में जब डॉक्टर रमन सिंह ने यह फैसला लिया कि वो अपने यहां के गरीब परिवारों को 3 रुपए किलो के हिसाब से चावल खिलाएंगे, उस समय छत्तीसगढ़ के चावल का कोटा 61,000 मीट्रिक टन था, 61,000 मीट्रिक टन। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे, और हैरान भी नहीं, शॉक्ड, जब मैं आपको आंकड़ा बताऊं कि उनका यह निर्णय लेने के बाद केंद्र सरकार ने कहा कि अगर 3 रुपए किलो खिलाना है तो बाजार से खरीद कर खिलाओ, और उन्होंने कोटा काटकर 900 मीट्रिक टन। कोई सोच सकता है 97% की कटौती, 60,000 मीट्रिक टन चावल आपने उनका काट लिया, मात्र 953 मीट्रिक टन रखा। लेकिन मैं शाबाशी देना चाहती हूं डॉक्टर रमन सिंह को, जिन्होंने आपके इस दबाव के बावजूद भी अपने संकल्प से पैर पीछे नहीं हटाया और 1,000 करोड़ रुपया अपने बजट से निकालकर अपने इस संकल्प को पूरा किया। और आज मुझे बताते हुए खुशी है, छत्तीसगढ़ के 37 लाख परिवार, 37 लाख परिवार को वो 3 रुपए किलो के हिसाब से 35 किलो चावल प्रतिमाह खिला रहे हैं। और अब जब आप 3 रुपए किलो करने जा रहे हैं, तो उन्होंने तय किया है कि अंत्योदय के 7 लाख परिवारों को वो 1 रुपया किलो खिलाएंगे और बाकी के 29 लाख परिवारों को 2 रुपया किलो खिलाएंगे। आप कह रही थी ना उस दिन कि कांग्रेस किसी को भूखा कैसे देख सकती है, और भी संवेदनशील मुख्यमंत्री के थोड़ी देर बाद आप कहेंगे कि आजादी में हमने दिलाई और आजादी में कुर्बानी में हम लोगों ने की, कांग्रेस तो केवल श्रेय ले रही। आप सच को सुनिए, विषयांतर मत करिए, विषयांतर मत करिए। मैं बात चावल की कर रही हूँ और आप आजादी पे पहुंच गए। जो बात मैं कर रही हूँ, अगर उसमें मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो आप मुझे बताइए, अगर मेरा आंकड़ा गलत है तो आप मुझे बताइए, अगर मैं कोई गलत तथ्य पेश कर रही हूँ तो आप मुझे बताइए। चावल का जवाब आप आजादी से दे रही हैं, ये तो विषयांतर है साहब। उपाध्यक्ष जी, बट Andhra Pradesh government and Tamil Nadu government has bringing 2 rupees kg rice for all the people of all the below poverty line people. It is not your credit. Every state government has been doing. Don't claim credit for it. मैं तो उनके उस बात का जवाब दे रही हूँ कि वो कहते हैं कि केवल कांग्रेस लोगों को भूखा नहीं रख सकती, इसलिए जो छत्तीसगढ़ ने किया वो बता रही हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ के साथ आपने क्या किया ये भी बता रही हूँ। उपाध्यक्ष जी, मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि ये योजनाएं जब चले तो शासक दल का नाम पट देख करके उनके साथ भेदभाव न किया जाए। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूं कि इस समय मैं जिस प्रदेश से चुनकर आई हूं वो मध्य प्रदेश के भेदभाव भुग रहा है, भुगत रहा है। 21 लाख लोगों की सूची हमने बीपीएल परिवारों की आपको भेजी है, लेकिन केंद्र हमें उसका खाद्यान्न नहीं दे रहा। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं, इन योजनाओं को शुरू करने से पहले आप बीपीएल के मानदंड बदलिए। जब दो एक साथ जीवन यापन करने वाले पड़ोसी एक साथ रहते हैं, एक को सरकारी सहायता मिलती है दूसरे को नहीं मिलती है, तो उसके मन में जो पीड़ा होती है हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए बीपीएल के मानदंड नए तरीके से तय करिए, नए तरीके से सूचियां बनवाइए और उसके बाद इस तरह की योजनाएं आप चालू करिए, ये मेरा आपको सुझाव है। और मैं मध्य प्रदेश की बात कर रही थी, केवल 21 लाख खाद्यान्न की बात नहीं, हमारी कोयले की आपूर्ति आपने काट ली। आप जानते हैं मध्य प्रदेश बिजली संकट से जूझ रहा है, पानी नहीं बरसा, हमारी पन बिजली परियोजनाएं लगभग ठप पड़ी हैं। 2200 मेगावाट बिजली जो हम पानी से बनाते थे, आज हम मात्र 300 मेगावाट बना रहे हैं। आपने हमारी अनाबंटित कोटे की बिजली भी काट दी, और हमारे थर्मल पावर प्लांट जिन्हें 17 लाख मीट्रिक टन कोयले की आवश्यकता है, उन्हें आप 11 लाख मीट्रिक टन दे रहे हैं। और बार बार आकर मुख्यमंत्री मिलते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं, तो अभी लेटेस्ट 4 मई को भी आपने पत्र लिखकर उन्हें कहा कोयला आयात कर लीजिए। ये कितना बड़ा अन्याय है हमारे साथ। हमारे यहाँ कोयला उपलब्ध है, कोयले की खदानें हैं मध्य प्रदेश में, आप वहां से व्यापारियों को बेचने के लिए कोयला देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को कहते हैं कि कोयला आयात कर लीजिए। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि जब ये योजनाएं विकास और कल्याण की चले तो तमाम के तमाम राज्य, चाहे वहां किसी का भी शासन, क्योंकि पहले नीतीश कुमार जी ने ये कहा कि आपने फ्लड राइट जितना था जो बाढ़ की सहायता राशि थी वो वापस ले ली, कल भर्तृहरि मेहताब बोल रहे थे
उड़ीसा की तरफ से क्या आपने राशि वापस मांग ली? सारे गैर कांग्रेसी राज्य जब यहां आकर के ये रोना रोते हैं, दुखड़ा रोते हैं, तो लगता है कि केंद्र की दृष्टि निष्पक्ष नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं, इन योजनाओं को जरूर चलाइए, लेकिन दृष्टि निष्पक्ष रख के चलाइए। और यही मुझे एक और शिकायत दर्ज करनी है, राष्ट्रपति अभिभाषण के पैरा 19 में आपने स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिकताओं का जिक्र किया। मैंने आंखें गड़ा गड़ा कर देखा, उस दिन कान लगा लगा कर सुना कि कम से कम इसमें उन 6 एम्स के निर्माण कार्य का बात जरूर होगी जो सन 2003 में मैं करके गई थी। कि मुझे दुख हुआ, ना तो आपके पैरा 19 में वो है, ना आपके 100 दिनों के एक्शन प्लान में वो है। यहां प्रणवदा बैठे हैं, मैं कहना चाहती हूं सन 2003 में ये योजना मैं लेकर आई थी, अपने लिए नहीं, एक निष्पक्ष दृष्टि रखी थी। मैंने डायरेक्टर से डेटा मंगवाया था कि कहां कहां के लोग आज के एम्स में आते हैं। 56 साल पहले एक एम्स बना था इस देश में, उसके बाद से जनसंख्या कितनी हो गई, लेकिन एम्स में बढ़ोतरी नहीं हुई। जब डेटा आया, डेटा के आधार पर मैंने राज्य चुने थे, ये नहीं देखा था वहां किसका राज्य है। 6 में से 4 राज्य कांग्रेस शासित थे, एक राज्य आरजेडी शासित था, केवल एक राज्य एनडीए शासित था, बीजेपी के शासित एक भी राज्य उसमें नहीं था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन था तब, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासन था, राजस्थान में कांग्रेस का शासन था, उत्तराखंड में कांग्रेस का शासन था, बिहार में लालू जी का शासन था, केवल उड़ीसा में बीजू जनता दल का शासन था, एक भी बीजेपी शासित राज्य नहीं था। लेकिन चूंकि चिकित्सा की दृष्टि से वो पिछड़े हुए राज्य थे, इसलिए उनको चुना। और अपने समय में 10 महीने का कार्यकाल था केवल, अपने कार्यालय में 1 घंटा समर्पित कर दिया था इन एम्स को बनाने के लिए। और इसलिए 10 महीने में सारे 6 मुख्यमंत्रियों से जमीनें ले ली, शिलान्यास 6 के करवा दिए, वोट ऑन अकाउंट था केवल, उसमें भी बजट हिट बनवा दिया, 6 करोड़ रुपया उनकी 4 दीवारी बनाने के लिए रख दिया। ये सारा काम 10 महीने में पूरा करके गई थी। 5 साल निकाल दिए आपने, उन 4 दीवारियों में से कोई एक ईंट उखाड़ कर तो ले गया होगा, लेकिन उन 6 एम्स पर एक ईंट लगाने का काम आपने नहीं किया। 6 एम्स को अपग्रेड करने का काम भी किया था मैंने, दोनों सदनों में हर सत्र में एक ना एक सांसद जरूर उठाता था इस विषय को। यहां लाल सिंह जी बैठे थे जम्मू कश्मीर के, हर बार उठाते थे, क्योंकि उनके यहां भी मैंने अपग्रेड किया था। दोनों सदनों में कभी ध्यानाकर्षण आता था, कभी प्रश्न आता था, हर बार स्वास्थ्य मंत्री कहते थे बस हम निर्माण कार्य शुरू करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। लेकिन 5 बरस बीत गए, निर्माण कार्य नहीं हुआ। एक पुण्य का कार्य नारायण स्वामी ने जरूर कर दिया, उस स्वास्थ्य मंत्री को हराकर आज पुदुचेरी से नारायण स्वामी यहां आए हैं। इसलिए मैं नारायण स्वामी को इसमें बधाई देना चाहती हूं। अध्यक्ष जी, इसके आगे मैं एक और चूक की बात आपके सामने करना चाहूंगी। सरकार ने पैरा 25 में महिलाओं के लिए समान अवसर सृजित करने की बात कही है। इन्होंने 3 प्राथमिकताएं रखी हैं, महिलाओं की शिक्षा, साक्षरता जिसे कह रहे हैं ये, महिलाओं की नौकरी और महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण। ये 3 बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन प्रणवदा आप एक बहुत जरूरी बात भूल गए। आपने शिक्षा की समस्या याद रखी, आपने नौकरी की समस्या भी याद रखी, आपने राजनीतिक सशक्तिकरण की समस्या भी याद रखी, पर आप उसके जन्म की समस्या भूल गए। उपाध्यक्ष जी, अगर जन्मेगी नहीं तो शिक्षित कैसे होगी? अगर जन्मेगी नहीं तो नौकरी कैसे प्राप्त करेगी? अगर जन्मेगी नहीं तो चुनकर कैसे आएगी? आज तो उसके जन्म के सामने प्रश्न चिन्ह लगा हुआ। भ्रूण हत्या देश में इतना बड़ा अपराध बन गया। कई बार तो मैं हैरान होती हूं कि जो देश वर्ष में 2-2 बार कन्या पूजन करता है, वो अपनी बेटियों को गर्भ में मारने का पाप कर रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं, ये चूक हुई है आपसे। ऐसा नहीं कि नियतन आपने ऐसा किया, लेकिन जब हम लोग आपस में बात करते हैं तो एक दूसरे की भूल सुधारने का भी काम करते हैं। ये 3 चीजें जो आपने रखी हैं, इसमें भ्रूण हत्या आप जरूर दर जरूर डालने का काम कर गए।
और एक बात जो उस दिन अडवाणी जी ने कही थी लाडली लक्ष्मी योजना की, मध्य प्रदेश में जो लाडली लक्ष्मी योजना चली है वो भ्रूण हत्या को सबसे पहले रोकती है, क्योंकि वो पैसा जन्म के समय दिया जाता है। वो एक ऐसी योजना है जो लड़की के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा से लेकर उसके विवाह तक जाती है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप प्रधानमंत्री जी से कहिए उस योजना का मसौदा मंगवा कर देखें, अगर उसमें कोई संशोधन करना है तो करें, कोई सुधार करना है तो करें, लेकिन जब तक आप बच्ची के जन्म की समस्या का समाधान नहीं करेंगे तब तक आपकी ये बाकी तीनों चीजें भी पूरी नहीं हो सकेंगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ लाडली लक्ष्मी योजना को मंगवा कर और उसको पूरे देश में लागू करने का काम करिए, वो भ्रूण हत्या को रोकेगी और महिला साक्षरता को बढ़ाएगी। आपने महिला आरक्षण की बात की, एक तरफ महिलाओं में बहुत ज्यादा उत्साह आया है उससे, दूसरी तरफ बवाल भी मचा है, क्यों शरद भाई? बवाल भी मचा, लेकिन शरद भाई बवाल मचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, लोग ये सोच रहे हैं कि आपने 3 महीने में ये बिल पारित कराने की बात की है, ऐसा नहीं है। इसमें एक पेच है, पेच, और वो पेच लिखा गया है, वो कोई नहीं पढ़ रहा। पहला वाक्य पढ़िए, मेरी सरकार अगले 100 दिनों के भीतर इन उपायों पर कदम उठाएगी। राज्य विधानमंडलों और संसद में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने के लिए संसद में महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने के लिए कदम उठाएगी। यानी प्रधानमंत्री अगर एक मीटिंग बुला लेंगे सभी दलों की सर्वानुमति बनाने के लिए तो कदम उठ गया, ये वादा पूरा हो गया, कदम उठाएगी, बिल पारित नहीं कराएगी। आप काहे जहर खाने की बात कर रहे हैं? वो करते हैं, और इसलिए केवल मीटिंग बुलाकर वादा के निर्वाह नहीं होंगे। लेकिन हाँ, एक बात से सहमत हूँ कि उस मीटिंग के बाद यादव साहब पूरी तौर पर सहमत होंगे कि हाँ बिल्कुल महिला आरक्षण बिल आना ही चाहिए, ये मेरा वादा है। गिरिजा जी, इससे तो कहीं बड़े कदम हम उठा चुके, एक मिनट, इससे तो कहीं बड़े कदम हम उठा चुके। जहां तक प्रधानमंत्री के स्तर की मीटिंग की बात है, अटल जी के स्तर पर 3 बैठकें हुई, उसके बाद पीठासीन अध्यक्ष थे उस समय मनोहर जोशी जी, उन्होंने ये काम अपने सिर पर लिया, उनके स्तर पर मीटिंग हुई, उसके बाद जब मनमोहन सिंह जी आए तो उनके स्तर पर मीटिंग हुई, और जहां तक कदम उठाने की बात है संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर मैंने तो वो कदम उठा लिया था कि बिल को चर्चा के लिए कार्यसूची में लगा दिया था। इससे बड़ा क्या कदम उठाएंगे आप? कार्यसूची में लगा दिया था, लेकिन उस दिन भी बिल के विरोधियों ने यह कहा कि जब तक कार्यसूची से निकलेगा नहीं हम कार्यवाही चलने ही नहीं देंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूं, आप तो ऐसे हो गए, शायद आपने मीडिया ने भी इसको नहीं पढ़ा, चारों तरफ आ गया 3 महीने में महिला बिल पारित हो जाएगा, 3 महीने में महिला बिल पारित हो जाएगा। 3 महीने में महिला बिल पारित होने का वादा ही नहीं है, कदम उठाने का वादा है। मैंने अंग्रेजी का भी मंगा के पढ़ा, उसमें भी यही है, गवर्नमेंट विल इनिशिएट स्टेप्स। तो जैसे मैंने कहा, एक मीटिंग होगी वो कदम उठ जाएगा, इनका वादा पूरा हो जाएगा, लेकिन महिला आरक्षण कब होगा? इसलिए प्रणदा कहना चाहती हूं कि समयावधि तय करिए, बिल पारित कब करेंगे, जब वो समयावधि तय होगी तब मैं कहूंगी कि महिलाएं उत्साहित हों और कहें कि महिला आरक्षण बिल पारित होगा, अभी तो केवल कदम उठाने की बात कही गई है। उपाध्यक्ष जी, अब मैं अभिभाषण के पैरा 42 की बात करना चाहती हूं, जहां उन्होंने भारत पाकिस्तान संबंध की बात की। यह पैराग्राफ भारत पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद को लेकर समाप्त हो गया, लेकिन जो विषय आज प्रासंगिक है उससे यह अभिभाषण अनछुआ रहा। रोज समाचार आ रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी परमाणु क्षमता में वृद्धि कर रहा है। उपाध्यक्ष जी, इसी संभावना को देखते हुए अटल जी ने अपने कार्यकाल में भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने का काम किया था और पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि जो कुछ हमने अटल जी के राज में हासिल किया था, भारत पाक पर भारत अमेरिका परमाणु समझौते के रास्ते हमने उसे खो दिया। हमने अपने ऊपर यह पाबंदी लगा ली कि हम आगे परीक्षण नहीं करेंगे और अगर करेंगे तो समझौता टूट जाएगा। इसलिए मैं आज ये प्रश्न करना चाहती हूं, प्रधानमंत्री उत्तर दें कि ये जो परमाणु क्षमता में वृद्धि पाकिस्तान कर रहा है इससे निपटने के लिए हम क्या कार्य योजना बना रहे हैं।
जी 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 Who made this commitment that there will be no further test? No. Pranab da, we said about voluntary moratorium. Two things are not parallel. Don't say that. हमने कहा था. Would there be any change in the world, nuclear doctrine, voluntary moratorium? Not a single syllable has been changed. मैं वही कह रही हूँ. हमने हमने अमेरिका से उसके बदले में कुछ लिया नहीं. एक मिनट हमने अमेरिका से उसके बदले में कुछ लिया नहीं था कि अगर हम उस वॉलंटरी मॉरेटोरियम को छोड़ते तो कुछ वापस करना पड़ता. आप उसको साथ बांध करके देकर आए हैं. आपने ये कहा है कि अगर ये परमाणु परीक्षण हम करेंगे तो ये समझौता टूट जाएगा ताकि उसमें जो कुछ तब तक आया हुआ होगा वो वापस हो जाएगा. दोनों चीजें समानांतर नहीं है. दोनों चीजें समानांतर नहीं है. हमने वॉलंटरी मॉरेटोरियम की बात की थी. आपने समझौते के साथ उसको जोड़ने की बात की है. इसलिए आज देश जानना चाहता है कि अगर पाकिस्तान अपनी परमाणु क्षमता में वृद्धि करता है तो भारत उसका मुकाबला कैसे करेगा. और इसके साथ उपाध्यक्ष जी, पाकिस्तान के बाद इसी पैराग्राफ में श्रीलंका के तमिलों की बात आई है. जहां तक श्रीलंका का सवाल है, मैं बहुत साफ ये कह देना चाहती हूं कि हम श्रीलंका की सार्वभौमिकता के पक्षधर हैं. वहां किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधि के विरोधी, लेकिन हमारे तमिल भाइयों पर हो रहे अमानवीय अत्याचारों के विरुद्ध क्या हम आंखें मूंदे बैठ सकते हैं. अभी डीएमके के इलेन गोवन बोल रहे थे कि जब ज्यूज की हत्या हुई तो पूरा का पूरा विश्व उठ खड़ा हुआ, लेकिन नो वॉर जोन में जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं हमारे तमिल भाइयों पर कोई बोल नहीं रहा. जब हम अपनी तमिल महिलाओं को रोते बिलखते देखते हैं, तमिल बच्चों को दूध के लिए कराहते और तड़पते देखते हैं तो खून खौलता है. सिर्फ इसलिए कि वो सरहद पार रहते हैं हम उनके दुख और दर्द को भूल जाएंगे? खून एक है, खून उबाला खाता है. उपाध्यक्ष जी, तमिल कविताओं का एक संग्रह है नन्नेरी. उसमें बहुत प्रसिद्ध कवियों की कविताएं लिखी हुई हैं. उसमें से मैं चार पंक्तियां आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ. चार पंक्तियां चिदंबरम जी तो समझ ही जाएंगे, बाद में मैं उसका अर्थ बता दूंगी. नन्नेरी में लिखा है, पेर यवर्तम नोई पोल तिरर नोई कन उल्लम एरियन इड़गावर एंगा थर इड़ियाई मंडु पिणियाल वरुंदु पिर उर्पई कंडु कलड़ में कन. इसका अर्थ है कि शरीर के किसी भी भाग में अगर घाव होता है, पीड़ा होती है, तो आंसू आंख बहाती है. इसलिए अगर मानवता के ऊपर, हमारे फेलो ह्यूमन बींग्स के ऊपर कहीं भी दुनिया में कहीं भी भले ही सरहद पार अगर कोई आपदा आती है, कोई संकट आता है, तो अच्छे लोग उसकी चिंता करते हैं. इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं, आपने लिखा है इसमें, लेकिन वो नाकाफी है. हमारी तरफ से वहां लोगों को जाना चाहिए, उनकी पीड़ा देखनी चाहिए, और भारत के तौर पर, भारत उनका पड़ोसी देश है, हम अपने अपने समान खून के लोगों के प्रति उदासीन नहीं रह सकते हैं. और इसलिए उनके संकट में जितनी कमी करवा सकते हैं, उनके कष्ट में जितनी कमी करवा सकते हैं, वो करने का काम करना चाहिए. उपाध्यक्ष जी, पैरा 45 में इंडियन डायस्पोरा की बात है, प्रवासी भारतीयों की बात है. लेकिन मुझे बहुत बार हैरानी होती है कि हम एक तरफ तो प्रवासी भारतीयों को अघोषित राजदूत कहते हैं, अपना इतना माथा ऊंचा किया है उन्होंने हमारा, अमेरिका जैसे बड़े देश में भारतीय हमें गौरवान्वित कर रहे हैं, लेकिन आए दिन खबरें आती रहती हैं प्रवासी भारतीयों के कष्ट की. कभी मलेशिया में भारतीयों के साथ मारपीट की जाती है, कभी कजाकिस्तान में इस्कॉन का मंदिर तोड़ा जाता है, कभी फ्रांस में सिख बच्चों को स्कूल में जाने पर, पगड़ी पहनने पर पाबंदी लगाई जाती है, कभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सिखों पर जजिया लगाया जाता है, और अब तो ये कहा जा रहा है कि अन्य धर्मावलंबियों से भी जजिया लिया जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया में तो आजकल हद हो रखी है, सिर में स्क्रू ड्राइवर डाल करके घायल किए हुए उस बच्चे की तस्वीर जब टेलीविजन पर दिखाई जाती है, रूह कांप उठती है. आज भी अखबार भरे पड़े कि कल एक भारतीय छात्र की कार जला दी गई, और मुझे दुख तब होता है
जब इस सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री टेलीविजन पर आकर कहते हैं हम क्या करें, हमारे मिशन में स्टाफ ही बहुत कम है, केवल आठ लोग हैं, और उसके ऊपर फिर वो दो दो दोष देते हैं, वो दोनों मंत्री यहां बैठे हैं जिन पर वो दोष देते हैं, वो कहते हैं वित्त मंत्री के दबाव में विदेश मंत्री ने स्टाफ कम कर दिया, और अब चूंकि विदेश मंत्री ही वित्त मंत्री बन गए हैं, मैं चाहूंगा कि वो अपना फैसला बदले। मैं पूछना चाहती हूं आपसे कि स्टाफ कम है या ज्यादा, इससे किसी को क्या मतलब? फैसला किसने बदला, क्या बदला, क्यों बदला, कैसे बदला, इससे हमें क्या सरोकार? हमें अपने बच्चों की सुरक्षा चाहिए, देश यह चाहता है कि आप कर क्या रहे हैं। आप 8 के स्टाफ से करें कि आप 10 के स्टाफ से करें, आप 12 के स्टाफ से करें कि आप 24 के स्टाफ से करें, स्टाफ बढ़ाएं या घटाएं, लेकिन उन बच्चों की सुरक्षा आप मुहैया करवाइए। और मैं ये भी कहना चाहती हूं कि इतने बड़े बड़े संकल्प का अभिभाषण और दूसरी तरफ मंत्रियों के इस तरह के असहाय जवाब, ये दोनों मेल नहीं खाते। कल मैं एक बयान पढ़ रही थी मौली जी का, आई कांट डू एनीथिंग फॉर करप्शन इन जुडिशरी, ये दोनों चीजें कैसे मेल खाएंगी? इस अभिभाषण को पूरा करने के लिए बहुत इच्छा शक्ति की जरूरत होगी, बहुत दृढ़ता की जरूरत होगी। इस तरह के असहायपूर्ण बयान अगर देंगे मंत्रीगण तो देशवासी क्या समझेंगे? इसलिए उस दिन भी अडवाणी जी ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहिए। मैं तो चाहती हूं कि बहुत युवा सांसदों का एक डेलीगेशन अगर आप यहां से भेजें, वो स्वयं जाकर के वहां देख करके आएंगे, उनको लगेगा हमारे देश से कोई हमें पूछने आया, कोई हमारी सुध लेने आया, और उन्हें लगेगा कि सरकार हमारे प्रति संवेदनशील है। और मुझे लगता है कि इसको करने में कोई ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए और कोई कठिनाई भी नहीं होनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए। उपाध्यक्ष जी, अंतिम पैराग्राफ में राष्ट्रपति जी ने देश के युवजन की आशा और आकांक्षा की बात की, बहुत अच्छा है, देश में बहुत युवा बयार बही है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं, ये पहली बार नहीं हुआ जब देश का युवजन खड़ा हुआ है। इस देश ने जब जब नाजुक मौका देखा है, युवजन ने अपनी भूमिका पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाई है। इसीलिए स्वतंत्रता संग्राम में भी 23 बरस के भगत सिंह और 19 बरस के अशफाक उल्ला खान फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। स्वतंत्र भारत में भी जब कांग्रेस का विघटन हुआ था, बड़ी उम्र के लोग कांग्रेस ओ में चले गए थे, तो कमान यंग टर्क्स ने संभाली थी और बहुत वर्षों तक वो भारत के राजनीतिक पटल पर छाए रहे थे। उसके बाद जब इस देश में इमरजेंसी लगी थी तो लोकतंत्र की रक्षा का युद्ध भी इस देश में युवजन ने ही लड़ा था और एक बूढ़े के नेतृत्व में लड़ा था, तब भी यही युवा ऊर्जा सड़कों पर उभरी थी। उस आंदोलन की उपज आज भी संसद में दिखाई देती है। प्रथम पंक्तियों पर बैठे हैं, ये बैठे हैं भाई शरद यादव, पहले जनता सांसद के रूप में चुनकर आए थे, 28 बरस की उम्र थी शरद भाई, 25 साल एक माह की उम्र में ये जनता सांसद के रूप में इस सदन में जीत कर आए थे। उसी आंदोलन की उपज, अलग अलग विभिन्न दलों में बैठे हैं उस आंदोलन के लोग, इस आंदोलन के लोग अलग अलग दलों में बैठे हैं लेकिन भरपूर मात्रा में यहाँ विद्यमान है। ये 25 साल की उम्र में यहाँ सांसद बने थे और मैं 25 वर्ष की उम्र में हरियाणा में कैबिनेट की मंत्री बनी। असम का पूरा आंदोलन युवजनों का आंदोलन था, 25 से 30 वर्ष के लोग चुनकर के आए थे, पर ये पहली बार नहीं है कि यहाँ युवा चुनकर के आए हैं। अगर मैं आपको बताऊं, ये बैठे योगी आदित्यनाथ 37 वर्ष की उम्र है, चौथी बार चुनकर आए हैं। अनंत हेगड़े पीछे बैठे 40 वर्ष की उम्र है, चौथी बार चुनकर आए। अशोक अर्गल मेरे पीछे बैठे 40 वर्ष की उम्र है, पांचवी बार चुनकर आए। ये बैठे अनंत कुमार 36 साल की उम्र में सबसे पहले चुनकर आए थे। शाहनवाज हुसैन 36 साल की उम्र में तो कैबिनेट के मंत्री बन गए थे। उपाध्यक्ष जी, अटल जी की कैबिनेट में 11 मंत्री 50 वर्ष से कम की उम्र के थे, 11 मंत्री, और कैबिनेट स्तर के कह रही हूं, एमओएस नहीं कह रही, एमओएस तो बहुत है। अटल जी की कैबिनेट में 12 कैबिनेट मंत्री 50 से कम उम्र की थे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 8 मुख्यमंत्री 50 से कम उम्र के बनाए गए और अर्जुन मुंडा बैठे हैं 35 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए थे। तो ये युवा बयार पहली बार नहीं बही, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि इतनी बड़ी संख्या में इस संसद में युवा सांसद जीत करके आए हैं। मैं उनका सबका अभिनंदन करती हूँ, हृदय से अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि जब वो भोले भाले चेहरे मुझे दिखते हैं तो जिंदगी में मैं स्वयं पीछे पहुंच जाती हूँ, अपना समय याद आ जाता। जब 25 बरस की उम्र में चुनकर गई थी और कैबिनेट मंत्रालय का भार संभाला था,
लेकिन मैं केवल उनका अभिनंदन नहीं करती, मैं उनको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देती हूं कि जिन अपेक्षाओं से उनके क्षेत्र के लोगों ने उन्हें जिताकर भेजा है वो उन अपेक्षाओं को पूरा करें। लेकिन उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार को कुछ करना होगा। हाँ, पवन भाई को देखकर याद आया मुझे, पवन भाई और हम एक ही डिपार्टमेंट से पढ़े हैं, वो एक साल मेरे सीनियर थे, उम्र में शायद 3 साल बड़े हैं मुझसे। 13 साल पहले मेरी पार्टी ने मुझे कैबिनेट का मंत्री बना दिया था, 13 साल बाद इनकी पार्टी को याद आई है और वो भी सीजनल मिनिस्ट्री देकर के चुप गए हैं। 4 महीने काम करेंगे, 8 महीने खाली बैठेंगे। प्रणवदा कम से कम महकमा तो साथ में दिलवा दीजिए कि 12 महीने मेरा भाई काम कर सके। बहुत योग्य है वो, डिपार्टमेंट ही बहुत योग्य लोगों को निकालता है, तो कम से कम 12 महीने की मंत्रिमंडल तो इनको मंत्री तो ऐसा दीजिए, मंत्रालय 12 महीने काम कर सके। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी उपाध्यक्ष जी, एक बात यहाँ जरूर कहना चाहूंगी कि यौवन बहुत देर प्रतीक्षा नहीं करता, अगर विलंब होता है तो यौवन अधीर हो उठता है और उस अधीरता में खतरे का संकेत छिपा होता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है हम सब पर। 100 दिन में तस्वीर नहीं बदल सकती, लेकिन तस्वीर बदलने की रूपरेखा तैयार हो सकती है, आप वो रूपरेखा तैयार करिए। मैं अपनी ओर से आश्वासन देना चाहती हूं, आडवाणी जी ने आपको उस दिन आश्वासन दिया था, उस भावना से स्वयं को संबद्ध करके कहना चाहती हूं, जनता ने आपको शासक की भूमिका दी है, हमें पहरी की। आप अच्छा काम करेंगे, हम आपका भरपूर सहयोग करेंगे। आप देरी करेंगे, हम आपको याद दिलाएंगे। आप नहीं करेंगे, हम आपको चेताएंगे। आप गलत करेंगे तो हम आपका विरोध करेंगे। लेकिन 100 दिन के बाद आपके अभिभाषण के इन बिंदुओं को जरूर दर जरूर सत्य की कसौटी पर तोलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।